वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो म्यूट हो गए हैं मेरी आवाज़। और अभी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि स्पीड ज़रा बेहतर हो जाए। आप लोगों को मैं वीडियो बंद कर रहा हूं अच्छा, इसमें स्टार्ट करते हैं कि आप अच्छा इसमें जो किसी को कोई इशू आए ना तो वो अपना मुझे क्वेश्चन टेक्स्ट कर सकता है, क्योंकि और आखिर में मैं कोशिश करूंगा कि 5-7 मिनट आपके क्वेश्चंस के लिए रख दूँ। दरमियान में भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप टेक्स्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं कि हमें ये इशू आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। कि ये स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपनी, और उस स्क्रीन में हम शेयर करेंगे जो हमने लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट एज। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे सारे स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर होगी। यस सर। ठीक है, ये आवाज किसकी आई है? ये अनम्यूट है पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की तरफ। तो कल फर्स्ट क्लास थी, उसमें कुछ थोड़ी बहुत ग्लिचेज हमसे ये हुई कि हमें प्रॉपर एक तो बैठने की जगह नहीं मिली थी। आज हमने सिटिंग अरेंजमेंट अपना पूरा कर लिया है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था वो भी हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह अब हमारे लेक्चर स्मूथली चलते रहेंगे। तो इसमें जो हम लेक्चर कर रहे थे, हम ज़रा अपनी स्पीड को तेज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी सारा कोर्स रहता है। अभी एक्सेल एक्सेस का आपने प्रैक्टिकल हिस्सा है वो भी हमने देखना है। ठीक है, तो ईआर डायग्राम के बाद हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल की तरफ जाएं और बाकी जो रिमेनिंग कोर्स है वो उसके बाद देखें, क्योंकि प्रैक्टिकल और पेपर वो एक्सेस के जो प्रैक्टिकल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम आते हैं एंटी रिलेशनशिप मॉडल की तरफ, इसको जल्दी से देखते हैं हम कि ये चीज़ें एडवांटेजेस ये आपने खुद पढ़ने हैं इस बुक से। आईटी सीरीज की बुक है, इसके पीडीएफ का लिंक मैंने कल ग्रुप में शेयर कर दिया था। जो स्टूडेंट है उनको ये मतलब अगर मैं चाहता तो आप लोगों को दे भी सकता था कि, लेकिन इसका साइज 64 MB से ज़्यादा है, तकरीबन 82 MB है, तो वो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर हो नहीं सकती। व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ वो फाइल शेयर हो सकती है जिसका साइज 64 MB या इससे कम हो। इस वजह से मैं ये ग्रुप में शेयर नहीं की, तो मैंने इसका ऑनलाइन लिंक आपको शेयर कर दिया है। अब इस तरह के एंटिटीज हम देख चुके हैं। यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने अगर आपने मैसेज करना हो तो आप कोशिश किया करें कि आप व्हाट्सएप साथ बेशक इस्तेमाल कर लिया करें, मेरे पास ओपन होता है, मैंने यहाँ कंप्यूटर पे भी ओपन किया होता है। अगर आप क्वेश्चन करना चाहें, जैसे मैं अपने पास कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप के साथ यहाँ ओपन किया होता है, वो मुझे मिलता रहता है। एंटिटीज हमने देखी थी, एंटिटीज क्या सर होती क्लास हैं? डिस्टर्ब हेलो, क्या कह रहे हैं?
व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब तो नहीं होगी फिर? अगर व्हाट्सएप मैसेजेस उस सूरत में करें ना जब बहुत जरूरी हो, वरना मतलब ऐसे आप मैसेज ना करें ना, ठीक है, यस सर, सिर्फ जरूरी ठीक है हो सर। तो तब कर दें। मतलब मैंने मैसेज करने से आपको रोका नहीं है, ऐसे उस सूरत में करें जब आपको कोई चीज़ समझना है, और आखिर में कोशिश करूंगा टाइम भी दूँ। और व्हाट्सएप मैसेज आप उस वक्त करें जब आप उन तारीख को जरूरी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। एंट्रीज कल हमने पढ़ी हैं और एडमिट करना है दो लोगों को, ये लेट आए हैं। और इसमें हमने कल देख ली थी एंटिटीज, देख ली थी एंटिटी टाइप, देखी थी एंटिटी इंस्टेंस, देखा था एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट डोमेन, ये सारी डेफिनेशंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हम एग्जांपल की तरफ आते हैं ताकि हम ज़्यादा क्लियर तरीके से पढ़ सकें। एग्जांपल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती हैं। जो लेट आते हैं ना ये अच्छी बात नहीं है। अब बातें हैं सिंपल एट्रीब्यूट पे। सिंपल एट्रीब्यूट जो हमने देखी थी कि एक एंटिटी है हमारे पास और इस एंटिटी के अंदर इस एंटिटी के अंदर जो है वो आप ये पर्सन की एंटिटी है, ठीक है। तो अगर आपने उसकी एट्रीब्यूट शो करनी है तो सिंपल एट्रीब्यूट जैसे उसका नेम या उसका फादर नेम या आईडी वगैरह, तो वो उस तरह आप शो कर सकते हैं जिस तरह यहाँ शो हुई है जेंडर में। और लेकिन इससे हट के एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है जो कि कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाती है। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि एक ऐसी एट्रीब्यूट जिसके आगे मजीद कुछ इसके अंदर से उसके हिस्से बनते हैं, ठीक है, उसके अंदर मजीद उसके हिस्से बन जाए तो उसे हम कहते हैं ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो इसमें देखें तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट, इसकी एग्जांपल बनती है एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई के अंदर है देखें एम्प्लॉई का एड्रेस। तो अब एड्रेस जो है उसके अंदर तो स्टेट भी आती है, सिटी भी आती है, कंट्री भी आती है, ठीक है। तो अगर आपने उसको शो करना होगा तो आप ऐसे ऐसे शो कर देंगे जैसे यहाँ पे शो हुआ है। कि एड्रेस है और स्ट्रीट और सिटी और कंट्री को आपने इस तरह शो कर दिया, इसे हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो आप अगर खुद सोच सकते हैं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट, इसके अलावा कोई और एट्रीब्यूट जो आपके जेहन में हो जो इससे हट के हो, एड्रेस के अलावा, इससे हट के अगर हम देखना चाहें एड्रेस के अलावा तो वो क्या हो सकती है? एड्रेस के अलावा कंपोजिट एट्रीब्यूट, अगर हम इसकी कोई और अच्छी सी कंपोजिट एट्री, हॉस्पिटल नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में एक रूम में फोन नंबर, फोन नंबर भी हो सकती है कंपोजिट एट्रीब्यूट। हम इसकी इससे ज्यादा बेहतर एग्जांपल देखते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट की जो सबसे मशहूर है वो तो हर जगह एड्रेस ही चलती है, लेकिन एड्रेस के अलावा आप देखना चाहें तो कुछ जगह पे, यहाँ पे जैसे देखें ये नेम है, नेम तो जिस तरह एड्रेस लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, आप देखें यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, स्ट्रीट, सिटी और कंट्री। कुछ जगह पे नेम ऐसे सेव होता है, नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। तो अब आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर कंपोजिट एट्रीब्यूट लिखना चाहें तो यहाँ पर एड्रेस की जगह लिख दें नेम, तो फिर उसमें स्ट्रीट की जगह फर्स्ट नेम, सिटी की जगह मिडिल नेम और कंट्री की जगह लास्ट नेम, तो वो फुल मिला के एक पूरा नेम बन जाएगा। इस तरह इससे हट के हम बाकियों पे आते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट फॉर एग्जाम्पल, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होंगी? एज, जेंडर, जिसका आंसर एक आता है, जिसका आंसर सिंपल है, जैसे आप जेंडर लिखेंगे तो वो मेल आएगा। उसमें आप एक वक्त में एक ही डेटा डाल सकते हैं, एज है तो किसी की 25 आएगी, तो एक वक्त में आप उसकी 25, 24, 26 नहीं डाल सकते, एक ही आएगी। ये बात समझ आ रही है? हाँ
यस सर हाँ जी, तो ये मतलब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब है कि ऐसी एट्रीब्यूट जिसके अंदर एक वक्त में एक ही आंसर आ सके। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है, ये मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिकल में हो सकता है आपसे कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है, जरा इसका आंसर दें। तो एट्रीब्यूट जिसकी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ जी एम्प्लॉय और उसके स्किल्स लिखा हुआ, देखें स्किल्स को कैसे शो किया हुआ, उसके साथ ओवल के अंदर डबल लगाएंगे, नजर आ रहा है सबको? यस तो ये सर आ इसमें, रहा है। अब स्किल्स में क्या चीज आती है, स्किल्स में एक वक्त में आप एक से ज्यादा उसके स्किल्स लिख सकते हैं। मसलन उसको स्किल्स में अगर वो लैंग्वेज बोलने वाला है तो उसको इंग्लिश आती है, उसको उर्दू आती है, पंजाबी आती है, स्पेनिश आती है, अरेबिक आती है, तो एक वक्त में उसको 5 लैंग्वेजेस आती हैं, ये उसकी लैंग्वेज स्किल हो गए। तो अगर ऐसी चीज हो तो उसको हम किस तरह, उस एट्रीब्यूट को कैसे लिखते हैं, स्किल्स वाली एट्रीब्यूट को हम लिखेंगे इस तरह, डबल में डबल ओवल आएगी उसकी, उसके साथ 2 निशान लगा देंगे। ठीक, अच्छा उसके बाद आते हैं स्टोर्ड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि स्टोर्ड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट, स्टोर्ड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट के ये स्टोर्ड क्या होती है और डिराइव्ड क्या सर होती है। हेलो सर हमारे पास ये एग्जांपल नहीं आ रही बेटा, सर, आप हमारे इस, पास बुक वो है कि आपके पास बुक इसलिए नहीं है, जो स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है इसे देख लें, यहाँ पे तो नजर आ रही है ना नहीं सर, हमारे पास बुक, मेरे पास बुक है ना, बुक है बुक सर मेरे आपके पास बुक। पास है, लेकिन मैं आपको एकमन सीरीज की बुक से इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि वो सबके पास नहीं है। आईटी सीरीज है सर मेरे मैं पास। आईटी सीरीज सर जी आप की, ये लेक्चर रिकॉर्ड करें ना, हमारे पास सर्विस का भी इशू आ रहा है, सही समझ नहीं आ रही सर जी, मैं बाद में ये ग्रुप दे। ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, आप परेशान ना हो, आपको यस सर हमें रिकॉर्डिंग, समझ आ रही है सर। जिसको समझ आ रही है वो अभी समझे, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, परेशान की कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। मैं पहला लेक्चर खुद नहीं भेजा क्योंकि उसके अंदर इतनी चीजें थी नहीं, आज का जो लेक्चर है ये आपको यूट्यूब पे अपलोड होके मिल जाएगा। ठीक है इनशाला। अच्छा ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ये बात समझ आ गई, अब इससे आगे चले। अच्छा यस सर जी, अब आते हैं जी स्टोर्ड एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या चीज होती है कि मसलन जैसे यहाँ एंटिटी लिखी हुई है स्टूडेंट, यहाँ एंटिटी लिखी हुई है स्टूडेंट, और उसमें उसके एट्रीब्यूट दी हुई है रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, और साथ लिखी हुई है एज। तो ये जितनी भी एट्रीब्यूट है ना, रोल नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ, इनको हम कहते हैं ये स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्यों है, क्योंकि इनको खुद आपने अपने पास स्टोर करना है, यूजर बताएगा उससे आप मतलब डेटा उससे कलेक्ट करेंगे, रोल नंबर जो भी है, आप स्टूडेंट से ये जिसका भी डेटा स्टोर करना है उसे पूछना पड़ेगा ना, उससे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप उसे अपने पास यहाँ पे स्टोर करेंगे। लेकिन वो एक दफा जब आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा, एक दफा जब आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा जी के आप उससे अपनी मर्जी का मतलब वो निकाल भी सकते हैं। मसलन आपके पास डेट ऑफ बर्थ है किसी की, लिखा हुआ आता है जी 15/10/1986, तो इससे आप उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज की डेट तक उस बंदे की एज बनती है जी, मिसाल के तौर पर उसकी बनती है 34 साल एज बनती है। तो ये एज जो है ये आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो वहां से आप एज खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए एज को कैसे शो किया हुआ है, डॉटेड में, एज को शो किया हुआ है डॉटेड में। तो ये सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ रही है या नहीं यस सर। कि सर कोई, ये जो ड्राइव्ड मल्टीपल है ये सेम ही है। नहीं, मल्टीपल का मतलब है ये आप अपने पास स्टोर करते हैं, ये आप खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ये अपने पास आप स्टोर करते हैं, इसको खुद कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये मैथमेटिकल नहीं होती। जो ये जो क्या नाम है डिराइव्ड एट्रीब्यूट है ये मैथमेटिकल होती है, ये मैथ का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट होती है। बात समझ आ रही है, ठीक है सर। ओके ये ओके नहीं सही है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो है किसी मैथमेटिकल फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे एज है, और ये ज्यादातर मशहूर यही है, एज ही यही डिराइव्ड एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसी एट्रीब्यूट डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो जो मैथमेटिकल
ज्यादातर जो है ना 90% केसेस में एज ही आती है और उसे ही डिराइव्ड एट्रीब्यूट लेते हैं। जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि उसको तो आप स्टोर करते हैं, उसके ऊपर कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला या ये चीज लगा के उसे कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गई? यस सर आ गई। उसके बाद आते हैं जी ये आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कहते हैं प्राइमरी की को। प्राइमरी की मतलब, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि एक टेबल होता है, टेबल के अंदर जो बहुत सारे कॉलम है, 4, 5, 6 कॉलम है, उसमें से एक कॉलम, हर टेबल का एक कॉलम ऐसा जरूर होता है जो यूनिक होता है, उसके अंदर रिपीट नहीं होती चीजें। जैसे स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर, ठीक है, ये क्या होगा, ये यूनिक होगा। टीचर है तो उसकी आईडी, सिटीजन है पाकिस्तान का तो उसका एनआईसी, ठीक है। तो एक कॉलम ऐसा जरूर होता है जिसको हम कहते हैं कि ये यूनिक है, उससे हम कहते हैं आइडेंटिफायर, उसे प्राइमरी की भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक दो स्टूडेंट मुझे बता देना तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ कुछ ना कुछ लोगों को समझ। तो देखेंगे इस तरीके से प्राइमरी की के नीचे आपने देखा होगा लाइन लगी हुई है, वो बस ये सिर्फ बताने के लिए कि जो टेबल बनेगा एम्प्लॉय का उसमें एक एड्रेस है। एड्रेस अब आप खुद बताएं कौन सी एट्रीब्यूट बनती है एड्रेस, जल्दी से बताएं, सोचे सोचे जल्दी बताएं, एड्रेस क्या चीज है? कंपोजिट एट्रीब्यूट है सर। एड्रेस जो है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होती है उसके अंदर मजीद एट्रीब्यूट आगे निकलती हैं। अच्छा, और जो स्किल है ये क्या है? कंपोजिट है ना सर स्किल? नहीं नहीं, स्किल मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड है सर ये। मल्टी वैल्यूड स्किल में और एड्रेस पे कंफ्यूज नहीं होना। मल्टी वैल्यूड का मतलब ये है कि उस एक बंदे मतलब उसके पास जो स्किल है या उसके पास चीजें वो 5-6 है। एड्रेस कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मतलब ये एट्रीब्यूट एक ही है, एट्रीब्यूट ये एक ही है, इसके अंदर 4-5 ऐसे हैं, मतलब इसका जो कॉलम बनेगा वो बनेगा एक ही बनेगा, उसके अंदर ये तीनों चीजें आएंगी, लेकिन ये तीनों चीजें हैं अलग अलग। स्टेट भी अलग होती है, सिटी भी अलग है, कंट्री भी, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एड्रेस में ये इकट्ठी लिखी जाएंगी, आएंगी एक कॉलम में। बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ, इसलिए एड्रेस को हम कहेंगे ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये आएगी एक ही कॉलम में, लेकिन इसके अंदर स्ट्रीट, सिटी और कंट्री हैं, ये मतलब डिफरेंट अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, लेकिन आएंगे ये एक ही कॉलम में, इकट्ठी लिखी जाएंगी। लेकिन स्किल जो है, स्किल ये एक कॉलम में नहीं आती, ये एक कॉलम में नहीं आती, इसके लिए हमें कई दफा मल्टीपल कॉलम बनाने पड़ते हैं। बात समझ आ रही? यस। अच्छा, अब उससे आगे मजीद चलते हैं। हमने ये फर्क भी देख लिया। अब एंटिटीज, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, के वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, ये पेपर में क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में या प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जा सकता है कि वीक एंटिटी क्या होती है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, ठीक है। अब इसमें मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, ठीक है। मसलन एक कंपनी है और एक कंपनी के अंदर एक बंदा मुलाजिम है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मतलब एम्प्लॉय कहलाएगा। यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर आ रही है। अब ये जो एम्प्लॉय है इसका अपना एक रिकॉर्ड होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, फिगर के अंदर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, पर्सन का डेटा लिखा हुआ, पर्सन आईडी और नेम, तो ये पर्सन समझ ले एम्प्लॉय है जो उस कंपनी में किसी में गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, और ये दो उसकी एट्रीब्यूट्स आ गई। अब कंपनी की ये पॉलिसी है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो फैमिली होती है उनको मेडिकल भी मिलता है, उनको फीस में रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलती है। जैसे ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर जो लोग, या एटॉमिक एनर्जी का इदारा है इसके अंदर, ये यूटी टेक्सला या लाहौर है, इसके अंदर भी जो लोग मुलाजिम हैं उनके बच्चों को यहाँ पे फ्री मतलब इनकी तालीम भी होती है और साथ उनको मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलते हैं। तो अब मतलब एक पर्सन जब एम्प्लॉय है वो तब चाइल्ड क्लेम होंगे जब वो शादी वगैरह करेगा, उसकी मतलब इस तरह फैमिली होगी तो उसकी चिल्ड्रन होंगे, तो चिल्ड्रन फिर क्या करेगा, वो उनका रिकॉर्ड कंपनी को देगा। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। हाँ, तो अब इसमें समझ आ रही है। हाँ जी, इसमें जो चाइल्ड है ये डिपेंड करता है किस पे, एम्प्लॉय के ऊपर। अगर एक पर्सन है वो सारी जिंदगी सिंगल ही है
तो फिर ये चाइल्ड उसका नहीं होगा, यानी उस सूरत में वीक एंटिटी हमारे पास नहीं बनती। लेकिन एक पर्सन है, उसकी फैमिली भी है, तो जब उसकी फैमिली है तो उसका मतलब क्या है, अब उस पर्सन से रिलेटेड मजीद आगे चाइल्ड भी बनेंगे, उसकी फैमिली भी होगी, तो फिर क्या होगा, ये तब बनेगी जब वो अपनी फैमिली बनाता है, उसकी शादी वगैरह होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो फिर तो इस केस में जो चाइल्ड है वो क्या कहलाता है, ये वीक एंटिटी है। वीक एंटिटी का मतलब है ये डिपेंड कर रही है उस पर्सन पे, फैमिली होगी तो आगे चाइल्ड होगा, अगर उसकी फैमिली नहीं है तो फिर उसका चाइल्ड भी नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर, आ गई सर। मतलब कि चाइल्ड होगा तो तब स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनेगी ना। जब पर्सन पर्सन जो है वो तो रेगुलर एंटिटी है ना, पर्सन, एम्प्लॉय, टीचर, स्टूडेंट, ये रेगुलर एंटिटीज हैं, ये ना इनको हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हैं कि ये हर वक्त मौजूद होती हैं। जब किसी तरह का कोई डेट कॉलेज का डेटाबेस बनेगा तो टीचर का भी डालना पड़ेगा टेबल, स्टूडेंट का भी डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन किसी फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, तो उसमें एम्प्लॉयज का, उसके ओनर का जो डेटाबेस डालना पड़ेगा, उसकी ये चीजें डालनी पड़ेंगी। लेकिन चाइल्ड तब आएगा जब एम्प्लॉय की फैमिली होगी, तो अगर उसकी फैमिली नहीं है तो ये चाइल्ड का टेबल नहीं बनेगा उससे रिलेटेड, और अगर उसकी फैमिली हो जाएगी तो फिर उससे रिलेटेड उसके चिल्ड्रन भी आ जाएंगे। तो उसका मतलब क्या होगा कि अब चाइल्ड जो है ये वीक एंटिटी है, वीक एंटिटी है कि बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। बात समझ आई? जी जी सही, ओके सर, क्लियर हो गया। तो जब भी इस तरह का केस आए वीक एंटिटी का, तो आपने ये वाली फैमिली वाली एग्जाम्पल जहन में रखनी है कि फैमिली होगी तो मजीद उससे आगे एम्प्लॉय से या टीचर से आगे जाएंगे। ये किस लिए होता है? मेडिकल बेनिफिट या एजुकेशन में कोई कंसेशन वगैरह हो उस केस में होता है कि वो जो उसके डिसेंडेंट्स होते हैं उनको भी कंसेशन वगैरह देनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद एसोसिएटिव एंटिटी, इसको फिर किसी को डिस्कस करेंगे। ये केस थोड़ा सा ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये इसकी एग्जांपल आई तो फिर हम इसे देखेंगे। फिलहाल मैं एसोसिएटिव एंटिटी को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं जरूरत पड़ी तो मैं फिर इसको मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आते हैं जी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मैंने बात की थी कि वन टू वन रिलेशनशिप और वन टू मैनी और उसके बाद मैनी टू मैनी, तो ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, इसके सिंबल्स भी हमने देखे हुए हैं कि किस वक्त आपने, आपको एक याद होगी बात, मैंने कहा था जीरो और मैनी कब आता है, आप में से कोई बता सकता है कि जीरो और मैनी कब आता है? सर एक के लिए जीरो आता है, ये एक से ज्यादा के लिए। मैंने एक लफ्ज बताया कम से कम, सर कम से कम, देखें जब मैंने कहा था कि जीरो और मैनी उस वक्त आता है, जीरो का लफ्ज जब आप मैनी सुने, जब आपकी ईयर डायग्राम के अंदर लफ्ज इस्तेमाल होता है मे, एम ए वाई मे, मतलब क्या है, मे का मतलब होता है गैर यकीनी सूरत हाल, यानी मे का मतलब yes, sir, कि ऐसा नहीं भी हो सकता और ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज्यादा भी हो जाए। तो जब मे का लफ्ज आ जाए तो मे का मतलब होता है जीरो और मैनी, मे का लफ्ज आपको जीरो और मैनी की तरफ लेके जा रहा है। एटलीस्ट वन का मतलब है एटलीस्ट वन का मतलब है वन और मैनी, लफ्ज समझ आ रहा है? मतलब सर एटलीस्ट एक, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, अगर कम से कम एक होगा तो ज्यादा से ज्यादा तो उस अंडरस्टूड है कि ज्यादा से ज्यादा तो उससे कई एक से ज्यादा हो सकते हैं। सही यस सर। जब ईआर डायग्राम के अंदर लफ्ज आ जाए एटलीस्ट तो आपने समझना है ये वन और मैनी है, और लफ्ज आ जाए मे हैव या सिर्फ मे मे तो उसका मतलब है जीरो और मैनी। सही है, जीरो टू मैनी, ओके सर। और जो ओनली वन है तो वहां पे साफ लिखा आता है कि ओनली वन, वो साफ पता चलता है, ठीक है। तो इसमें ये देखें, ये एग्जांपल दी हुई है ओनली वन के लिए सिंबल कौन सा है, मैंडेटरी ओनली वन। फिर देखें वन और मैनी, ठीक है वन और मैनी, ये मेरे जो माउस है सबको हिलता हुआ मूव करता हुआ नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा इस तरह फिर जी ये जीरो और वन, के जीरो और वन ये भी कुछ केसेस में ऐसे होता है जीरो और वन, वो भी साफ होते हैं, साफ तौर पे मतलब समझ आ जाते हैं कि यहाँ जीरो और वन, उसमें भी जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो मे इस्तेमाल होगा, लेकिन साथ में ये बताया होगा कि कम से कम एक, वो जब आएगा फिर क्लियर हो जाएगी। मैं अभी एग्जांपल देखेंगे हम, और उसके बाद आते हैं जी जीरो और मैनी। इन्होंने जीरो थोड़ा आगे करके लिखा हुआ, आप बेशक इसके साथ भी लगा दें तो भी कोई इशू नहीं है।
अच्छा उसके बाद आते हैं जी हम सब टाइप, और इसमें साथ एक एग्जांपल भी देखते जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल ओपन की हुई है आपको दिखाने के लिए, क्या आप एग्जांपल भी ओपन कर लें? मैं अब एग्जांपल वाली स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपसे। ये स्क्रीन शेयर होगी आपसे सबसे? यहाँ एग्जांपल बताने का मतलब ये है कि आपको साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब इसमें लिखा हुआ है इन अ यूनिवर्सिटी कॉलेज, इन अ यूनिवर्सिटी या कॉलेज, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी, अ स्टूडेंट कॉल्ड अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। स्टूडेंट जो है ना वो जिसको मिसाल के तौर पर स्टूडेंट में से ही कोई बंदा होता है जिसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, उसे सी आर कहते हैं। सी आर रिप्रेजेंट्स अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। द स्टूडेंट एंटिटी टाइप मे हैव एट्रीब्यूट्स लाइक रोल नंबर एंड नेम फोन नंबर। बस इतनी सी बात हुई है यहाँ तक। तो इसमें आपको कोई मुश्किल तो नहीं है? समझ आई है बात की क्या कही जा रही है? मुश्किल तो नहीं है सर। इसमें सिर्फ इतनी बात हुई है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां पे एक स्टूडेंट है उसको, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनमें से ही, स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उनमें से ही एक बंदे को मॉनिटर बना दिया जाता है। और स्टूडेंट की आमतौर पर क्या है जी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो तीन दी गई हैं, एक रोल नंबर, एक नेम और एक फोन नंबर। मैं इसको ओपन करता हूं, उसमें कोशिश करता हूं कि आपको उसमें थोड़ा एडिट भी करके बता दूं। ये स्क्रीन शेयर हुई है सबसे? अच्छा इसमें मैं आपको एडिट भी करके बता दूं। वो एग्जांपल आने लगी यहाँ पे, ये एग्जांपल है जी। अब इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो ये है हमारे पास, ये एंटिटी है स्टूडेंट, ये नजर आई है सबको? यस सर, नजर आ रही है। यस सर। ये हमने एंटिटी बनाई है स्टूडेंट की, और इसमें देखें तो एरियल ब्लैक है, मैं इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट एंटिटी है, तो इसमें एक चीज तो समझ आई कि स्टूडेंट यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि अ स्टूडेंट कॉल्ड, जिसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट्स अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। इस जुमले का मतलब यह है कि स्टूडेंट में से ही एक स्टूडेंट को सीआर बनाना है। और इसमें वर्ब कौन सा है जल्दी से बताएं इस लाइन में, यहां से यहां तक, ये जो मैंने यहां से इस जगह तक जो इस्तेमाल किया, इसमें वर्ब कौन सा है? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है? जब वर्ब आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि आपने एंटिटी के दरमियान वर्ब आ गया, तो एंटिटी मतलब इनके दरमियान रिलेशनशिप आ गया। तो रिप्रेजेंट को तो यहाँ पे शो कर दिया कि रिप्रेजेंट्स, ये यहाँ पे, ठीक है? यहाँ तक भी आपको बात समझ आती है? रिप्रेजेंट्स को हमने क्या किया, हमने रिलेशनशिप में डाल दिया। लेकिन जो ये आएगा किसके दरमियान, यहाँ पे एक बात होगी स्टूडेंट, एक तो एंटिटी स्टूडेंट बन गई, दूसरी कौन सी होगी? सीआर। सीआर, और सीआर कौन है? वो स्टूडेंट है या स्टूडेंट से अलग है कोई? स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट ही है। स्टूडेंट ही है। जब उसी एंटिटी के अंदर से कोई एंटिटी आप बनाते हैं, स्टूडेंट के अंदर से ही आपने सीआर लिया है, तो फिर ये एंटिटी क्या बनेगी, इस तरह घूम फिर के वापस स्टूडेंट के पास ही आएगी। तो इसमें क्या लगा हुआ, स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट में से ही वो सीआर लिया गया है। ये बात आपको समझ आ रही है? इसमें कोई इशू तो नहीं है? यस सर।
नो सर, इसमें सिर्फ इतनी बात हुई है कि स्टूडेंट एक एंटिटी थी, उसमें से हमने एक सीआर लिया, तो सीआर भी चूंकि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का अपने आप से रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब इसमें वन और मैनी वाली क्या बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ इन अ स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। तो अगर मैं इस डायग्राम को इस तरह बनाऊं, अगर मैं इस डायग्राम को आसानी की खातिर ऐसे बनाऊं, स्टूडेंट रिप्रेजेंट्स सी आर, अगर मैं इसको आसानी की खातिर ऐसे बना दूं ताकि आपको जरा समझ आ जाए, तो उसमें देखें तो ए स्टूडेंट का मतलब है कि एक स्टूडेंट जो कि सी आर बन सकता है, तो सी आर से स्टूडेंट की तरफ जाएं, तो पूरी क्लास में से सी आर कितने होंगे? एक होगा, एक होगा, वन एंड ओनली वन। तो यहां पे आ जाएगा जी वन। इसको मैं ऐसे यूं शो कर देता हूँ, मेरे पास अगर वो सिंबल सामने आ जाए तो मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है, ये शो करने के लिए कि ये सी आर की तरफ। यहाँ पे मैं एक लाइन भी लगा देता हूँ, ये उस तरह को शो करने के लिए कि उस तरफ एक अलग एंटिटी है और इस तरफ एक अलग एंटिटी है और ये स्टूडेंट ये एक अलग। अब हमने इस तरफ वो शो कर रहे हैं कि अगर हम स्टूडेंट से सीआर की तरफ चलें, अभी हमने सीआर से स्टूडेंट की तरफ आए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका सीआर है। अब यहां पे ये बात आती है कि सीआर उन बहुत सारे स्टूडेंट का सिर्फ एक होगा, और यहां से यानी स्टूडेंट से आप सीआर की तरफ गए। अब यार ये कौन अब आ रहे हैं, मोहम्मद वसीम और हुसैन कासिम, अच्छा आप आ रहे हैं। अब आते हैं हम इसकी तरफ, सी आर से स्टूडेंट की तरफ, के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, सी आर रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट। तो इसमें जो बात हुई है कि ए स्टूडेंट कॉल्ड सी आर रिप्रेजेंट्स अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, द स्टूडेंट एंड टाइप मे हैव एट्रीब्यूट्स लाइक दिस। तो यहाँ पे आपके ख्याल में ये जीरो और मैनी क्यों लगाया गया है? उसको आप समझे कि मे वाला लफ्ज जो है ना ये एंटिटीज के दरमियान नहीं आया। यहाँ जबकि स्टूडेंट सी आर उनमें से आपने ले लिया, जीरो और मैनी क्यों आया है? क्योंकि सर ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब पूरी क्लास को बड़ा मैटर इसलिए सर, इसमें बहुत सी चीज मतलब आ रही है ना, रोल नंबर और नाम भी और फोन नंबर भी, इसलिए शायद सर हो सकता है क्लास में स्टूडेंट एक हो। ये जो मतलब इस तरह शो किया गया है ना कि स्टूडेंट जो है सी आर रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स, इसमें ये स्टेटमेंट में जो चीज क्लियर नहीं है वो उनको बतानी चाहिए थी, वो क्लियर नहीं है। दूसरी साइड वाली वो ये के मतलब स्टूडेंट्स का सी आर जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सी आर, ठीक है, लेकिन दूसरी साइड हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है कि जीरो और मैनी क्यों लगाया गया है। उसके लिए हमें कोई ऐसी हेल्पिंग चीज मिल नहीं रही, वो मिले तो फिर मैं बताऊं आपको। अच्छा, इससे नीचे वाली एग्जांपल देखिए, मैं इतनी देर सोचता हूं कि ये क्यों इस तरह लगाया गया। मेरे हिसाब से जीरो और मैनी वाली एग्जांपल या इससे रिलेटेड आप इस स्टेटमेंट को देखें, आपके ख्याल में जीरो और मैनी क्यों लगाया गया होगा? देखें जरा, सर मेरे ख्याल के मुताबिक इसलिए कि ये जो है ना सर सी आर पूरी मतलब स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब अगर हम इसको देखें ना, तो अब हम अपने ज़हन में दो टेबल लेके आते हैं। अब हम क्या करते हैं, ज़हन में एक हम दो टेबल लेके आते हैं। दो टेबल का मतलब ये है कि एक सी आर का टेबल, एक स्टूडेंट का टेबल। मैंने कहा ना, जब चीजें आपको क्लियर ना हो तो आप अपने ज़हन में ये सोच लिया करें कि आपके सामने दो टेबल है। मैं इस स्क्रीन को एक मिनट के लिए बंद करके तो दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड।
ये आपसे शेयर करता हूँ। इसमें देखें तो ये एक, ये सबको नजर आ रहा है? यस यस सर। वालेकुम सलाम सर। आप तो सर मेरी एक क्लास चल रही है, 5 मिनट सिर्फ। ठीक, अब इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जी स्टूडेंट का टेबल है और इसे हम कह देते हैं जी सीआर का। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर यानी ये सीआर इसकी कितनी रोज के साथ जुड़ा हुआ होगा और इस स्टूडेंट की कितनी रोज इसके साथ जुड़ेंगे। पहले हम सीआर से स्टूडेंट की तरफ जाते हैं कि ये सीआर है, इसके अंदर सारे सीआर हैं। ये सीआर सिर्फ एक ही क्लास का होगा, ये सीआर सिर्फ इसी क्लास का होगा, ये सीआर सिर्फ इसकी क्लास का होगा। ठीक है, और मतलब अगर हम सीआर से स्टूडेंट की तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक रो दूसरे टेबल की कितनी रोज के साथ जोड़ रही है। तो ये एक से नहीं बल्कि काफी से जोड़ रही है। देखें एक मिनट, ये मिस्टेक हो गई कि ये सीआर इस स्टूडेंट में जो स्टूडेंट दिए हुए ना यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए, रोल नंबर 22, रोल नंबर 13, तो ये जो सीआर है ये इसका भी है। ये वाली क्लास में मिसाल के तौर पर अगर 22 लड़के हैं या 20 लड़के हैं तो वो सीआर इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका मतलब है सीआर का बहुत सारों के साथ लिंक बन रहा है, इसके साथ भी बन रहा है, इसके साथ भी। तो सीआर टू स्टूडेंट, तो ये आगा जी मैनी। ठीक है, और ये कितनों के साथ है? ये मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट जो है ये इसका सीआर कौन है? सिर्फ ये है, इसका स्टूडेंट सर एक ही होगा, इसका सर एक ही होगा, इसके तो इधर स्टूडेंट्स अगर सीआर की तरफ आए तो ओनली वन। अब बात समझ आ रही है? तो हमें यहां तक तो क्लियर हो गया कि ये क्यों आया कि सीआर टू स्टूडेंट जाएं तो मैनी और स्टूडेंट से सीआर की तरफ आए तो ओनली वन। अब यहां पे वन आ सकता है या जीरो आ सकता है साथ, कि मिनिमम एक सीआर होगा और मैक्सिमम मिनिमम एक सीआर हो सकता है और ये हो सकता है कि सीआर ना हो। ये उस सूरत में जब हमें कोई मे की स्टेटमेंट दी हुई हो या कोई नेसेसरीली इस तरह की बात की हुई हो तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गई जो मैंने अभी आपको बताई है, इसमें आप कोई इशू रह तो नहीं गया? यस सर, हो गई है। मैं कोशिश तो की है कि आपको जितनी बेहतर अंदाज से बताई जा सके, अगर कोई कमी पेशी है तो फिर माजरत है मेरी तरफ से। अच्छा, इसके बाद आते हैं जी, बस ये मैंने एग्जांपल बताने थी। इसी तरह ये नीचे एग्जांपल दिए हैं, ये आपने खुद करनी है, जो स्टेप टू है ये आपने खुद बनानी है। ठीक है, ये बहुत इजी है, स्टूडेंट वही बात लिखी yes, ये आपने कोशिश करनी है कि ये आप खुद करें। इससे ऊपर वाली मैंने आपको बता दी और इस ये सबसे मुश्किल एग्जाम्पल थी ये स्टूडेंट की अपने आप के साथ। इसे कहते हैं सेल्फ रिलेशनशिप, इसे कहते हैं सेल्फ, इसको कहते हैं जी सेल्फ रिलेशन शिप, यानी एक एंटिटी का अपने आप के साथ। तो ये इसलिए कि स्टूडेंट में से ही किसी को सीआर बनाया है। यहां तक बात क्लियर हो गई? yes. आज हमने एग्जांपल देखी है, अब आपने क्या करना है कि कुछ एग्जांपल जो बुक में हमने पढ़ी हुई है वो खुद देखनी है। कल हम इस कोशिश करेंगे कि 2 दिन और इसमें मजीद लगा के फिर हम ये एंटिटी रिलेशनशिप का जो चैप्टर है वो खत्म कर दें। बुक वाली एग्जाम्पल मैंने कराई नहीं है, वो आपने खुद पढ़नी, तब तक के लिए जो है ना आपकी क्लास का टाइम होने लगा। मैं अब ये मीटिंग एंड करता हूँ, इकोनॉमिक्स वाली क्लास का टाइम है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।